माय हेडेक एक सून क्लियर हेडेक की स्पेलिंग देखिए क आता है लेकिन सी इसमें स्पेलिंग में, में क नहीं है एच ई ए डी ए सी एच ई ए सी एच ई एक मतलब दर्द आई एम हैविंग एक इन माई नेक आई एम एक याद रखेंगे उससे बना हेडेक हेडेक मतलब सिर दर्द और एक की स्पेलिंग देखें एंड सो माय हेड गॉट रिड्यूज क्लियर माई हेड गॉट क्लियर मेरा सिर दर्द रुक गया हट गया थम गया एज वी कैरियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास कैरियर डाउन मतलब फिसलते जाना बढ़ते जाना दिस इज हाईलाइटेड वर्ड कैरियर डाउन आपका कैरियर कैसा चल रहा है जॉब कैरियर तो वहां एक अलग मीनिंग है एज वी कैरियर डाउन मतलब आगे बढ़ते जाना कहाँ? फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पास अब पास के हम दूसरी तरफ बढ़ गए थे और ऐसे समय में मेरा सिर दर्द जो है वो साफ घट गया था इट वॉज टू ओ क्लॉक बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच बाय द टाइम अब दो बज गया था जब तक हम लंच के लिए रुके तो दो बज गया था बाय द टाइम यू कम इट विल बी थ्री ओ क्लॉक जब तक तुम बिलासपुर से पहुंचोगे तीन बज जाएगा बाय द टाइम आई कम टू यू यू विल हैव फिनिश्ड योर लंच जब तक मैं तुम्हारे पास आऊं तब तक तुम भोजन खत्म कर दिए रहोगे बाय द टाइम मतलब जब तक बाय द टाइम आई बोर्डेड द ट्रेन इट मूव जब तक मैं ट्रेन में बैठता तब तक ट्रेन चल पड़ी अर्थात दोनों काम एक साथ हुआ मेरा ट्रेन में बैठना और ट्रेन का चलना बाय द टाइम सो माय हेड एक् सून क्लियर एज वी कैरियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास इट वाज टू ओ क्लॉक बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच दो बजे अब लंच के लिए हम रुके वी एट हॉट नूडल्स इन साइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट हॉट नूडल्स नूडल आप जानते हैं सब चाइनीज फूड का एक हिस्सा रहता है नूडल तो हमने बहुत गर्म नूडल खाया और कहाँ एक कैनवास के टेंट में कैनवास मतलब एक तरह का प्लास्टिक उसका टेंट बना हुआ था टेंट मैंने आपको पहले बताया कैंप जिससे बनाते हैं उससे तो एक टेंट बना हुआ था उस टेंट में हमने बैठकर गरम नूडल खाया बहुत ठंडी वैसे ही थी वी हॉट नूडल पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक ये जो टेंट था जो कैनवास का बना था ये एक्चुअली था क्या ये एक कर्मचारी एक काम करने वालों का कैंप था जहां पे वो लोग रुकते थे और एक सॉल्ट लेक था सॉल्ट लेक के बाजू में बना हुआ था बिसाइड मतलब बाजू में यू स्टैंड बिसाइड मी तुम मेरे बाजू में खड़े हो कम पुट दिस चेयर बिसाइड मी ये कुर्सी मेरे बाजू में रखो और एक शब्द होता है बिसाइड्स बी एस आई डी एस बिसाइड्स मतलब के बावजूद के अलावा बिसाइड्स यू ही विल ऑल्सो गो विथ मी टू सिनेमा हॉल तुम्हारे अलावा वो भी मेरे साथ सिनेमा हॉल जाएगा so बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त और बिसाइड मतलब बाजू में बिसाइड यानी बाजू में याद रखेंगे तो यहाँ पर बिसाइड दे वेर बिसाइड द सॉल्ट लेक स लेक के बाजू में बने हुए कुछ टेंट थे वर्क कैंप थे जहां पर लोग काम करने के दौरान कुछ रुकते थे उन लोगों के लिए टेंट बना था वहां पे हमने गरम गरम नूडल खाया द प्लेट्यू इज पॉक मार्ग विद सॉल्ट फट फ्लैट द प्लेट्यू इज Pock mar with salt flats and brackish lakes. Plateau hota? plateau the spelling? Plateau means Pathar. The meaning of the word, see the pronunciation, Plateau. And Plateau means Pathar. Now, what is Pathar? Pathar is a kind of plain land on top of a mountain. और एक पहाड़ी जब आप पहाड़ी में चढ़ते हैं ऊपर माउंटेन में चढ़ते हैं अचानक एक समतल एरिया आता है लगभग प्लेन मैदान जैसा उसको कहते हैं प्लेट्यू हिंदी में कहते हैं पठार तो so, हम जहां पर थे वो पठार था एंड द प्लेट्यू वॉज पॉर्क मार्ग विथ सॉल फ्लैट पॉर्क मार्ग मतलब जगह जगह वहां पर फ्लैट्स थे एंड ब्रैकिश लेक्स थे और लेक माने झीलें थी वेस्टिजे ऑफ टिद ओशन विद बॉर्डर टिब्बे बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काई वर्ल्ड अब यहाँ पर पुराने इतिहास की चर्चा हो रही है एंथ्रोपोलॉजी का भी इसमें संबंध है और उसके अलावा जो पृथ्वी में जो लाखों वर्षों में जो बदलाव आया है उसका भी एक हिंट यहां ऑथर ने दिया है वो कहता है कि हजारों वर्षों से एंड इट इज प्रूव कि लाखों वर्षों में धरती में कई बदलाव आए हैं वो टूटते गई है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट एंड मैनी अदर रीजन तो यहां पर क्या हुआ है यहां पर प्लेट्यूज सॉल्ट फ्लैट एंड ब्लैकिश लेक वहां पे लेक और ये सब क्यों बने हैं वो कहता है वेस्टिज ऑफ टू दिस ओशन वेस्टिज माने चिन्ह चिन्ह प्रमाण किसका प्रमाण है यहां पर ये लेक जो है और ये सॉल्ट फेट्स हैं ये क्या है इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे हजारों वर्ष पहले एक ओशन हुआ करता था जिसका नाम था टी ई टी एच वाई एस टी दिस ओशन ओशन मने महासागर सी मने समुद्र तो यहाँ एक महासागर हुआ करता था इससे इस साबित होता है और विच बॉर्डर टिबेट बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन दैट लिफ्टेड इट्स स्काई वर्ल्ड बॉर्डर होना मतलब किनारे किनारे होना किसके किनारे तिब्बत के किनारे किनारे विच बॉर्डर्ड तिब्बत तिब्बत के किनारे किनारे था कब तक बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन कोलिजन मतलब टकराहट कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय टकराहट महाद्वीपीय टकराहट जब हुई जमीनों का जोर से एक दूसरे से टकराना हुआ हजारों वर्ष के कोलिजन में तो उसका परिणाम क्या हुआ टकराने से बीच की जो जमीन थे वो उठ गई ऊपर इट वेंट अपवर्ड वर्ड स्काई वर्ड आप समझ रहे हैं ना जब आप पत्थर को या बहुत सारे पत्थरों को दोनों तरफ से धक्का देते हैं यहां पर आपके 50-100 पत्थर रखे उसको धक्का कोई देगा और यहाँ 50-100 पत्थर रखे इधर से कोई धक्का देगा और दोनों धक्का देके उसको जब ला रहे हैं पास तो क्या होता है बहुत ताक़त लगानी पड़ेगी उन दोनों को एक दूसरे से टकराने के बाद और फिर भी आप उसमें ताकत लगा रहे हैं ताकत लगा रहे हैं तो क्या होगा बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठ जाएगा तो इट विल गो अपवर्ड स्काई वर्ड वही यहाँ पर हुआ उसी का परिणाम क्या है यहाँ पहाड़ियाँ बन गई उसी का परिणाम क्या है यहाँ प्लेट्यू बन और फिर ऊपर उठता है फिर ऊपर का हिस्सा फ्लैट हो जाता है तो अब यहाँ पर देखिए एक पुराने भौगोलिक संरचना का बदलाव का भी जिक्र किया है मींस जो राइटर हैं नैरेटर हैं जिन्होंने ये यात्रा स्वयं की है और लिखा है वो कितनी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक यात्रा के दौरान भौगोलिक स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ रहने वालों की आदतों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के मौसम को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद ज़मीन की संरचना क्यों और कैसे है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा जो करता है यात्री उसको बहुत आनंद आता है तो वेन एवर यू ट्रैवल माई डियर फ्रेंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ टू सम प्लेसेज और नोन प्लेसेज यू मस्ट एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना मतलब पूरी तरह अन्वेषण करना पूरी तरह उस एरिया के बारे में जानने की कोशिश करना ए गुड जर्नी इज जस्ट नॉट गोइंग टू दैट प्लेस शॉपिंग प्लेसेस मॉल्स फ्यू बिल्डिंग्स एंड बैक नो इट मीन्स नोइंग द कल्चर ऑफ़ दैट एरिया इट मीन्स ट्राइंग टू नो द पीपल ऑफ़ दैट एरिया इट मीन्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट एरिया इट मीन्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैनी मोर थिंग and spend time in understanding makes the journey all the more interesting so that is what author is trying to hint at here and he says now uh, i understand that probably these small small lakes that were found salt flat that were found brackish lake that were found they were all nothing but probably long time back that ocean which bordered tibet बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंट कोलिजन इनकी टकराहट आखिर आप देखेंगे ये देखिए ये टिबैट है ऊपर चीन है नीचे भारत है इसके बीच में अचानक इतनी सारी पहाड़ियां और पहाड़ क्यों हैं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कोलिजन ऊपर से और नीचे से एक दूसरे के धक्के के कारण प्रेशर पड़ते जा रहा था तो धीरे धीरे वहाँ की जमीन ऊपर उठती गई और ऊपर उठते उठते वही एरिया हिमालयन बेल्ट कहलाया टिबेट कहलाया और वो माउंटेनियस रीजन कहलाया किसी जगह में पहाड़ होने का कारण क्या है ये जानना चाहिए किसी जगह में मैदान होने का कारण क्या है ये जानना चाहिए राजस्थान में मरुभूमि क्यों है ये हमें जानना चाहिए It will become very interesting for you if you try to know that. So here now he tells you, he tells the readers, the author tells the reader that it is because of the collision takrahat, which led to the skyward movement of the plane area. It lifted it skyward, and that skyward made it mountain. This one was a hive of activity, hive bhari ये जो घटना है बहुत बड़ी घटना थी खूब सारी झुंड में थी बहुत बड़े झुंड में यह गतिविधि हुई मैन विथ पिक एक्सेस एंड शॉवेल ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ मैन विथ पिक एक्सेस, पिक एक्स मतलब वो बर्फ को तोड़ने वाला कुदाली एंड शॉवेल मतलब बर्फ को निकालने के लिए जो ऐसा एक औजार रहता है वो शॉवेल कहलाता है क्स यानी बर्थ को काटने वाली कुल्हाड़ी ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ ट्रज करना मतलब धीरे धीरे चलना द ट्रेन इज जस्ट ट्रजिंग व्हीकल वॉज जस्ट नॉट स्पीडिंग बट इट वॉज मूविंग वेरी वेरी स्लोली इट वॉर निगोशिएटिंग इट वॉज क्रीपिंग पास्ट सो हियर द मेन वी आर ट्रजिंग ट्रजिंग विथ वॉट शॉवेल्स एंड पिक एक्सेस आना जाना करते हुए दिखाई दिया दिस वन वॉज ए हाइफ ऑफ एक्टिविटीज यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ दिख रही थी जैसे आदमियों का पिक एक्स और उसके साथ जाना आना ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स एंड सोल्ट एंड क्रस्टेड बूट्स सॉल्ट एंड क्रस्टेड बूट शीप कोट शीप स्किन कोट तो आप जानते हैं जो राइटर है नरेटर की फ्रेंड ने उसे शीप स्किन कोट ये कह के दिया था कि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है ये ले जाओ याद है और बात सच थी लोग वहाँ पे शीप स्किन कोट पहनना बहुत कॉमन मानते थे क्योंकि बहुत ठंड पड़ती थी तो लोग शीप स्किन कोट पहन के आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे उसके साथ ही उनके जूते भी थे कैसे जूते थे गम बूट्स और सॉल्ट एनक्रस्टेड भरा हुआ नमक से भरे हुए जूते क्योंकि वो पूरा एरिया जो था वो नमकीन था खारे पानी से था खारा पानी क्यों था क्योंकि कभी वहाँ पे महासागर रहा होगा महासागर का पानी खारा होता है और वो टकराहट से महासागर का पानी तो बह गया लेकिन कुछ कुछ लेख रह गए महासागर का पानी अंदर घुस गया महापानी महासागर का पानी यहाँ वहाँ चला गया बचा हुआ एरिया लेक रहा और जो सूखा रहा वो सॉल्टी हो गया इसीलिए उसको फ्लैट सॉल्ट बोल रहा है सॉल्ट के मैदान और वो सॉल्ट जो है वो उसके जूतों में बूट में ये जो वहां जो काम कर रहे थे उनके लगा रहता था, था पैर में ऑल वोर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर वोर वियर वोर वर्न पहना ऑल वोर से बना है, टू वियर मैंने पहनना वियर योर शर्ट प्रॉपरली अपनी शर्ट ठीक से पहनो ही वोर ए नाइस कोट उसने एक बहुत अच्छा कोट पहना तो यहाँ पर पीपल वे वेयरिंग गॉगल्स, सन ग्लासेस क्यों अगेंस्ट द ग्लेयर सूरज की जो किरण थी वो वहाँ बहुत तेजी से मारती ग्लेयर मतलब तेज चमक एक तो हम जमीन से या समुद्र तल से साढ़े पांच हजार मीटर ऊपर थे यानी सूरज के किरणों के निकट थे पहली बात दूसरी बात स्नो एरिया था जहां पे सूरज की किरणें मारती थीं और बहुत चमकती थी दे वेरी वेरी ब्राइट सो एज टू पिंच योर आइज आल्सो आपकी आंखों को परेशान करती थी उससे बचने के लिए ग्लेयर से चमक से बचने के लिए उसकी तेजी से बचने के लिए धूप की तेजी से बचने के लिए चश्मा पहनते थे एज ए स्टेडी डीम ऑफ ब्लू ट्रक्स एमार्ज मार्च फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट और वो लोग पहनते थे और वहां से लगातार स्टेडी मतलब लगातार स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस धीरे लेकिन लगातार जो लोग मेहनत करते हैं दौड़ वही जीतते हैं ऐसा नहीं कि एक दिन खूब मेहनत किए उसके बाद चार दिन आराम कर लिए नहीं खरगोश कछुए की कहानी आपने सुनी होगी खरगोश कछुए की कहानी में कछुआ जो है इट इज स्लो बट स्टडी लगातार काम कर रहा है, सतत रूप से काम कर रहा है। तो स्टडी यहां पर लगातार क्या दिख रहा था स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स नीले ट्रकों का आना जाना उनकी आवाजाही जा उनकी लंबी लंबी कतार दिख रही स्ट्रीम मतलब कतार कतार स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स एमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक जो सफेद लेक थी सॉल्ट से भरी हुई थी वहां से अचानक नीले रंग के ट्रक निकलते हुए दिखते रहे लगातार उन ट्रकों में क्या था लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट भरा हुआ लेडन मतलब लेडन विथ मतलब से भरा हुआ याद रखेंगे पाइल मतलब झुंड बंडल पाइल मतलब आ, क्या कहना चाहिए आ, पाइल ऑफ डस्ट पाइल ऑफ मिट्टी मिट्टी का भंडार पाइल ऑफ सॉल्ट नमक के उससे पाइल से ट्रक्स भरे भरे वहाँ से निकलते हुए लगातार दिख रहे थे और उस ट्रक का रंग क्या था नीला था और लोगों की आवाजाही दिख रही थी जो लोग हमेशा डार्क ग्लास पहने हुए थे सूरज के ग्लेयर से बचने के लिए और साथ में वो लोग क्या रखे थे पिकैक्स और शॉवल्स पूरी घटना का विवरण वो कर रहा है जब जब वो लंच लिया तो उस समय क्या क्या उसने देखा बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर खाना खाने के बाद इन्होंने फिर अपनी यात्रा शुरू की और बाय लेट आफ्टरनून अर्थात आफ्टरनून के आखिरी आखिरी क्षणों में हमारे संदर्भ में आफ्टरनून किसको बोलेंगे हम तीन साढ़े तीन चार तक के समय को हम आफ्टरनून बोलते हैं और लेट आफ्टरनून मतलब चार बजे तक का यदि आफ्टरनून हम माने क्योंकि उसके बाद इवनिंग शुरू होता है तो करीब साढ़े तीन बजे के आसपास हम कहाँ पहुंचे वी रीच द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर हॉर नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचे वी रीच बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर एंड वंस वी रीच हॉर वी वी बैक ऑन द सेम मेन रोड मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे Which is that east-west highway, the silk route from east to west, connecting Asia to Europe. After such a long journey, such a long distance, after traveling, taking so much risk. Finally we reach that road. If you remember, their driver Satan had told them that let's go by shortcut and we'll have no problem if there is no snow so the writer says and what if the snow falls so driver कहता a koi batan upon they snow hota he snow they had problems but then the writer found the journey very entertaining very full of valor full of adventure and whatnot. and he enjoyed that adventure बट नाउ दे वे आर कनेक्टेड टू दैट ईस्ट वेस्ट रोड विच कनेक्टेड लासा विथ कश्मीर लासा इज द प्लेस इन टिब इन फैक्ट इट इज द कैपिटल ऑफ टिब ला टिबत की राजधानी को कश्मीर से जोड़ने वाला जो सिल्क रूट का जो हिस्सा है अब हम वहां आ गए थे अर्थात हमारा शॉर्ट कटअप पूरा हो गया था डैनियल हुनिंग टू लासा फाउंड राइड इन द ट्रक

राइड मतलब मैंने बताया चढ़ना राइड मैंने यात्रा भी आई हैड ए गुड राइड फ्रॉम हेयर टू नागपुर यहां से नागपुर की मेरी यात्रा बड़ी अच्छी थी राइड मैंने जर्नी भी होता है राइड मैंने चढ़ना पर टेबल के ऊपर चढ़ना को राइड नहीं बोलेंगे चढ़ना और चलाना दोनों चीजों को मिलाकर होता है राइड मैं टेबल के ऊपर चढ़ गया हूँ आई हैव आई एम राइडिंग ऑन द टेबल वो गलत है यू राइड ऑन एनी थिंग दैट मूव्स एंड सो आई ए गुड राइड फ्रॉम रायपुर टू तो नागपुर मतलब रायपुर से नागपुर की मेरी यात्रा जिसमें भी मैंने की वो बड़ी अच्छी रही तो डैनियल हैड है गुड राइड ऑन ए ट्रक डैनियल ने एक ट्रक का सहारा लिया ट्रक से लिफ्ट लिया

वहाँ पे ये लोग खड़े थे और उसको डैनियल को बाय बाय कहा और अब क्या हुआ अब ये दोनों अकेले रह गए डैनियल चला गया वी हैड द ड्राइव डाउन फ्रॉम सॉल्ट लेक एंड सेटन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्सड अपनी इस यात्रा के दौरान दो पंचर हुए हमारी गाड़ी में और वो भी क्विक सक्सेशन में एक के बाद एक टू सक्सीड मतलब एक के बाद एक सफल होना टू सक्सीड माने सफल होना और सक्सीड मतलब के बाद होना यू सक्सीडेड मी एज द फुटबॉल कैप्टन ऑफ स्कूल टीम तुम मेरे बाद कप्तान बने फुटबॉल की टीम के यू सक्सीडेड मी उससे बना सक्सेशन के बाद तो सक्सीड के दो अर्थ हो गए यहाँ पे हमारा सेकंड अर्थ जो है उसको हमने समझा है पहला तो सक्सीड मतलब सफल होना और दूसरा सक्सीड मतलब के बाद आना सो इन क्विक सक्सेशन अवर कार है टू पंक्चर और कहाँ ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम सॉल्ट लेक एंड सेटन वजीगर टू हैव दैम फिक्सड सॉल्ट लेक जो ऊपर टॉप में प्लेट्यू था वहाँ से जब हम नीचे आ रहे थे स्लोप था जहाँ पे भयंकर स्लोप वहाँ पे चट्टानी टुकड़े भी रहे होंगे पॉइंटेड रॉक्स रही होंगी उसमें हमारे टायर दो बार पंचर हो गए और ईगर मतलब उत्सुक ईगर होना मतलब उत्सुक होना ई ए जी आर और सेटन जो था वो बड़ा उत्सुक था कि जल्दी से जल्दी ये पंचर बनवा ले भाई दो पंचर हो गया था एक पंचर ही वैसे खतरनाक होता है जहाँ दो दो पंचर हो गए थे कहीं एक गाड़ी का कहीं इस गाड़ी का तीसरा पंचर हुआ तो मुश्किल हो जाएगी तो, तो पंचर रिपेयर शॉप के सामने गाड़ी खड़ी करके वो पंचर बनवा रहा था सिंस दे लेफ्ट हिम विथ नो स्पेयर अब वो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था स्पेयर मतलब अतिरिक्त अब उनके पास कोई अतिरिक्त टायर नहीं था तो स्टेपनी नहीं था स्टेपनी मतलब अतिरिक्त टायर एक पंचर हुआ तो उसको दूसरा लगा लिया दूसरा पंचर हुआ तो तीसरा लगा लिया लेकिन अब यदि पंचर होगा तो हमारे पास वी वेर लेफ्ट विथ नो स्पेयर्स स्पेयर मतलब अतिरिक्त डू यू हैव ए स्पेयर पेन क्या तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त पेन है अर्थात मुझे तुम्हारा अतिरिक्त पेन हो तो दे दो डू यू हैव ए स्पेयर शीट ऑफ पेपर क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त कागज़ है अर्थात मुझे अतिरिक्त कागज की जरूरत है यदि है तो दे दो सो ही आज फॉर दे है नो स्पेयर्स नाउ स्पेयर टाइम फॉर यर ओन सेल्फ अपने स्वयं के लिए कुछ समय निकालो स्पेयर सम टाइम फॉर योर ओन सेल्फ अपने स्वयं के लिए कुछ समय निकालो अधिकतर घरों में जो महिलाएं हैं माताएं हैं वो पूरे समय परिवार की सेवा में लगी रहती है बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना हस्बैंड की पढ़ाई लिखाई घर की सफाई बाई आदि पूरे समय तो उनके लिए जरूरी है दैट दे शुड स्पेयर सम टाइम फॉर देम अपने लिए भी कुछ समय निकालें जहाँ वो तल तसली से निश्चिंत होकर एक दो घंटा बैठें सोचें आराम करें मनोरंजन करें संगीत का आनंद लें आदि आदि सो स्पेयर सम टाइम बट दे हैड नो स्पेयर यहाँ पर उनके पास अब कोई भी अतिरिक्त टायर नहीं था इसीलिए तो वो ईगर था उत्सुक था कि भैया जल्दी से जल्दी पंचर बनवा लूँ Besides, the second टायर ही हैड चेंज had बीन had replaced by वन that was सो so स्मूथ as my बॉल्ड हेड बॉल्ड हेड अर्थात क्या वो माई बॉल्ड हेड मतलब नरेटर खुद कह रहा है कि मैं पूरी तरह गंजा हूँ बॉल्ड हेड मतलब क्या होता है गंजा आदमी अरे दैट मैन दैट मैन इज बॉल्ड हेडेड मैन आज शाम को आई मेट ए बॉल्ड हेडेड मैन माई केमिस्ट्री टीचर इज बॉल्ड हेडेड अर्थात मेरे केमिस्ट्री के शिक्षक पूरी तरह गंजे हैं उनके सिर में बाल नहीं है आज शाम को मैंने एक गंजे व्यक्ति को देखा तो बॉल्ड हेडेड मतलब गंजा व्यक्ति तो यहां पर ऑथर कह रहे हैं कि इसके अलावा हमारी गाड़ी की पंचर होने की तो समस्या तो थी ही और कोई स्पेयर भी नहीं था ऊपर से बिसाइड्स मतलब के अलावा मैंने आपको बताया एस लगा हुआ है तो बिसाइड्स के अलावा और बिना एस के बिसाइड मतलब के बाजू में तो के अलावा इसके अलावा जो सेकेंड टायर हमने चेंज किया था वो टायर वॉज रिप्लेस बाय वन उसको जब हमने बदला तो जिस टायर से बदला वो तो गंजे जैसा चिकना था टायर अब सोचिए इसके मायने क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस बॉल्ड एज टायर एज स्मूथ एज बोल्ड मैन इज इट गुड फॉर गुड ड्राइव नो टायर बिल्कुल फ्लैट था चिकना था टायर को रफ होना चाहिए और टायर रफ होना चाहिए और सड़क भी रफ होनी चाहिए तभी तो दोनों के फ्रिक्शन से गाड़ी आगे बढ़ती है यदि सड़क चिकनी हो तो गाड़ी फिसल जाए टायर चिकना हो तो गाड़ी फिसल जाए यहाँ पर टायर बहुत चिकना था और सड़क भी कैसी थी बर्फीली बहुत खतरनाक दोनों ही चिकने थे तो ऐसे में ब्रेक काम करेगा नहीं करता था बड़ी खतरनाक यात्रा थी अर्थात द नायरेटर इज ट्राइंग टू टेल यू हाउ डिफिकल्ट वॉज द जर्नी एंड येट ही लुक्स एंजॉइंग दिस जर्नी फिर भी ऐसा लगता है मानो से इस यात्रा में आनंद आ रहा है तो ही टेल्स की द सेकेंड टायर दैट वी चेंज वॉज एज स्मूथ एज ए बॉल्ड हेडेड मैन तो दैट वॉज ऑल द मोर बिग प्रॉब्लम ये कहां की घटना है हॉर नाम के एक जगह की जहां से डैनियल अपने रास्ते निकल गया और ये दोनों अलग रह गए हॉर वॉज ए ग्रिम मेजरेबल प्लेस ग्रिम मतलब अच्छा नहीं मेजरेबल मतलब बड़ा दयनीय द कंडीशन ऑफ दैट बिगर इज वेरी मेजरेबल उस भिखारी की स्थिति बड़ी दयनीय है शोचनीय दयनीय आई हैव स्कोर्ड वेरी मेजरेबल मार्क्स मैंने इतने कम नंबर पाए हैं कि मेरी स्थिति दयनीय है आई है माई परफॉर्मेंस इन हंड्रेड मीटर रेस इज मेजरेबल डोंट आस्क मी मत पूछो यार सौ मीटर की दौड़ में मेरा परफॉर्मेंस क्या था बहुत दयनीय शोचनीय ये मिजरेबल कार था तो यहाँ पे कहता है, बिसाइड्स के अतिरिक्त टायर भी ऐसा था कि वो चिकना था और हॉर और तो और हॉर नाम की जगह जहाँ हम रुके थे वो भी बड़ा बेकार जगह थी बड़ी बेकार स्थिति थी देर व नो वेजिटेशन कोई हरियाली नहीं वहाँ पर वॉट एवर किसी भी तरह की हरियाली नहीं अभी देखिए हम लोग बहुत हरे भरी जगह से आए थे फिर इसके बाद हम प्लेन मैदान में आए चरागाह में आए चरागाह के बाद रॉकी एरिया में आए रॉकी एरिया के बाद में हम स्लोप पे चढ़े वहाँ दोनों तरफ अच्छे खासे जंगल थे लेकिन फिर चट्टानें शुरू होती हैं फिर उसके बाद हम प्लेट्यू में आए जहाँ पर हमको लेक दिखते हैं बहुत सारे स्नो दिखता है शानदार सॉल्ट दिखता है और अब हम नीचे उतरते हैं तो हॉर नाम की जगह पहुंचते हैं वहां तो बिल्कुल हरियाली नाम को नहीं है वॉट शो एवर कुछ भी कह लो हरियाली नाम को भी नहीं थी जस्ट डस्ट एंड रॉक केवल धूल और चट्टान पांच हजार पांच सौ पंद्रह मीटर की हाइट में क्या मिलेगा ऐसा माहौल ही ऐसा मौसम ही नहीं रहेगा कि वहां पर हरियाली रहे जस्ट डस्ट एंड रॉक्स केवल तूफानी हवाएं चलती हैं और लाखों वर्षों में वहां की जो डस्ट है वो चट्टान बन गई है तो चट्टान और धूल उसके अलावा लिटरली स्कैटर्ड टू स्कैटर मतलब फैलाना टू स्कैटर मने फैलाना डोंट स्कैटर द वेस्ट यार कचरा मत फैलाओ डोंट स्कैटर द वेस्ट यू ऑल गेट स्कैटर्ड आप लोग सब फैल जाओ भीड़ जो एक जगह इकट्ठी हो गई है या पंद्रह बीस स्टूडेंट एक साथ बिल्कुल पास पास खड़े हो गए हों तो मैं बोल सकता हूं गेट स्कैटर्ड कमान फैल जाओ दूर दूर खड़े हो थोड़ा फैल के खड़े हो तो हम स्कैटर बोलते हैं और डोंट स्कैटर द वेस्ट कचरे को मत फैलाओ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा है प्रिज्म से जब लाइट जाती है रोशनी एक किरण की रे तो वो रंग अलग अलग करती है अलग अलग दिशा में मुड़ जाती है प्रिज्म से पार होने पर तो प्रिज्म से पार होने की जो क्रिया है उसको स्कैटरिंग कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द प्रिज्म एंड डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द प्रिज्म द रे स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में स्कैटर हो जाती है डायमंड क्या है डायमंड के अंदर लाइट जाती है तो डायमंड के जितने भी सिरे सिरे हैं हर सिरे से वो लाइट की किरणें निकलती हैं और इसीलिए वो चमकता है डायमंड शाइंस बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट उससे जो लाइट टकराती है वो सब जगह से अलग अलग दिशा से निकलती है तो so, स्कैटर मतलब फैलाना अब यहाँ पे क्या हो रहा है लिटरली स्कैटर विथ ईर्स हजारों साल से धूल और चट्टाने जो फैल गई थी उससे वो एरिया पटा हुआ था जहां अब हम खड़े थे हॉर में बहुत ही शोचनीय स्थिति इस जगह की कोई हरियाली नाम की चीज नहीं वेजिटेशन मतलब हरियाली पेड़ पौधे नाम की चीज नहीं केवल वहां डस्ट और रॉक स्कैट विथ ईमुलेटेड रेफ्यूज विच वाज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मान सरोवर अब यहां देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है ऑथर ऑथर कहता है धूल और चट्टाने थी और चारों तरफ क्या फैला हुआ था इकट्ठा होना स्कैटर्ड विथ ईयर्स ऑफ एक्मलेटेड रेफ्यूज आर ई एफ यू जी ई आर यू एफ यू जी ई मतलब और आर ई एफ यू एस ई ये दो अलग अलग शब्द हैं रेफ्यूज मतलब शरण लेना रेफ्यूज मतलब वेस्ट रेफ्यूज मतलब वेस्ट और वेस्ट की स्पेलिंग क्या है वेस्ट माने गंदगी डब्ल्यू ए एस टी ई और कमर का जो वेस्ट होता है उसकी स्पेलिंग क्या होता है टेलर जो हमारा वेस्ट का नाप लेता है उसकी स्पेलिंग क्या है उसकी स्पेलिंग है डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट यहां पे मैं बात कर रहा हूं डब्ल्यू ए एस टीमुलेटेड विथ वेस्टमुलेट मैंने इकट्ठा होना हजारों साल में यहाँ पे भारी कचरा भारी वेस्ट इकट्ठा हो गया था विच वॉज अनफॉर्चुनेट जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है बड़े दुर्भाग्य की बात है वो अफसोस जाहिर कर रहा होता और फिर कहता है गिवन दैट टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मान सरोवर और अफसोस की बात ये कि ये जो शहर है हॉर वो बिल्कुल लेक मान सरोवर के पास था मानसरोवर इतना पवित्र स्थान मानसरोवर इतना शुद्ध स्थान मानसरोवर का पानी इतना साफ कि उसमें बिल्कुल नीचे का अंतिम कण भी दिखाई देता है उसके थोड़ी दूरी पर हॉर नाम का गांव और वो गांव में हरियाली नाम की चीज़ नहीं ऊपर से चारों तरफ कचरा ही कचरा कई वर्षों से इकट्ठा किया हुआ तो वो कचरा कहाँ से आया होगा यही दर्शनी दर्शन के लिए जाने वाले यात्री वहां पे कचरा फेंक देते हैं एंड इट वॉज अनफॉर्चुनेट बड़े दुर्भाग्य की बात थी फॉर्चुनेट मैंने बड़े सौभाग्य की बात सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट खासकर तब गिवन दैट द टाउन सैट ऑन द शोर सैट मतलब शोर मने किनारा माउंट सरोवर के किनारे बैठा था ये बैठा शब्द यहाँ नहीं आएगा अंग्रेजी में सेट ऑन इट मतलब उसके बाजू में था खासकर बड़े दुर्भाग्य की बात ये कि हॉर शहर की हालत इतनी बेकार इसके बावजूद भी थी कि वो तो मानसरोवर के बाजू में था मान सरोवर के पास हॉर नाम की जगह का हाल देखकर लेखक और इसलिए बहुत निराश होते हैं हताश होते हैं क्योंकि मान सरोवर जो है इट हैज ए वेनिरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर तिब्बत का सबसे ज्यादा पवित्र पानी का विशाल स्रोत है वेनिरेटेड मतलब जिस पानी की पूज, पूजा करना वेनिरेट मतलब पूजा करना ऐसा पानी जिसकी पूजा की जाती है उस पानी का विशाल स्ट्रेच है जहाँ पर वहां के पास हॉर नाम के गांव का यह हाल कि वहाँ इतनी गंदगी पेड़ों का नामो निशान नहीं केवल धूल और धूल और एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स प्राचीन भारत के इतिहास और बुद्धिस्ट इतिहास और कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड कॉस्मॉस यानी ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान तो हिंदू धर्मों के ब्रह्मांड विज्ञान में बुद्ध धर्म के ब्रह्मांड विज्ञान में ऐसा माना गया है कि ये वो जगह है जहां भारत की चार सबसे बड़ी नदियां चार सबसे महान नदियां यहां से निकलती हैं उस जगह का ये हाल और ऐसा कहते हुए लेखक बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहा है अफसोस व्यक्त कर रहा है ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दैट दिस प्लेस इज सो डर्टी ए प्लेस वेयर फ्रॉम फोर रिवर्स ओरिजिनेट फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स ओरिजिनेट ए प्लेस विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेक्रेट प्लेस फॉर बुद्धिस्ट वो जगह जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है तिब्बत में मानसरोवर जाना एक तरीके से उनके लिए स्वर्ग को छू लेना ऐसा माना जाता है पिन पॉइंट मान सरोवर द सोर पिन पॉइंट मतलब बताते हैं ये जो स्रोत हैं भारतीय हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म के और वो नदियाँ कौन सी हैं इंडस गैंजीज सतलज और ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी गंगा नदी सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पूरा उत्तर भारत जो है वो इसी नदियों से बना है और उसकी भले ट्रिब्यूटरी है और यमुना भी है उसके बाद दो चार और अन्य नदियां हैं कोसी नदी है सोन नदी है लेकिन ये सब मूल रूप से गंगा नदी के आसपास से ही जुड़ी हुई हैं इंडस सिंधु नदी को कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है सिंधु घाटी की सभ्यता और देखिए गैनजीस की स्पेलिंग देखिए जी ए एन जी ए नहीं है क्योंकि बिकॉज इंग्लिश पीपल कुड नॉट प्रोवाइड कुड नॉट प्रोनाउंस गंगा दे कॉल्ड इट गैन्जिस एंड फॉर द स्पेलिंग इन इंग्लिश इज जी एन जी एस प्लीज नोट सो दीज फोर रिवर्स कम फ्रॉम देयर स्टार्ट फ्रॉम मान सरोवर ऑन द वन हैंड And they are most venerated rivers. They are the rivers which are highly worshipped, atyant pavitra mani jati Nearby that is a small village called Hor, which is so dirty, that what author is telling again and again. Actually, only Satlaj flows from the lake. Actually, only the Satlaj flows from the lake, but the हेडवाटर्स ऑफ अदर ऑल रिवर्स नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश वो जो मान सरोवर है मान सरोवर से असली में तो केवल एक ही नदी निकलती है वो है सतलज ये देखिए जनरल नॉलेज के भी बहुत इंफॉर्मेशन सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत सारी जानकारी इस लेख में है इस आर्टिकल में है इस यात्रा में है और एक यात्रा का कितना आनंद लिया जा सकता है दैट यू कैन मेक आउट फ्रॉम दिस आर्टिकल रिटर्न बाय द द दिटन बाय द वन हु दूसल्स परफॉर्म जर्नी, उसने स्वयं यात्रा की है वो लिख रहा है और वो सभी दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से फ्रॉम एवरी एंगल ही इज ऑब्जर्विंग वट ही सीज अराउंड एंड नोटिंग डाउन एंड क्रिएटेड ए स्टोरी आउट ऑफ नथिंग सो ही से एक्चुअली सतलज ओनली कम फ्रॉम मानसरोवर और बाकी जो तीन नदियां हैं वो हेड वाटर ऑफ अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक ऑफ माउंट कैलाश माउंट कैलाश के किनारे फ्लैंक्ड बाय आसपास जो पानी का जो दर्रा है माउंट कैलाश के आसपास जो पानी जहां इकट्ठा हुआ है वहां से जो पानी बहता हुआ निकलता है वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा और इंडस सतलज ही अकेली ऐसी नदी है जो वास्तव में मानसरोवर से निकली है बाकी तीन नदियाँ कैलाश पर्वत के निचले ढाल पर वहां पानी इकट्ठा होता है उससे निकली हुई है वी वेयर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ ग्रेट माउंटेन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस बहुत निकट हम ज्यादा दूरी पे नहीं थे, बिल्कुल बहुत निकट थे आई एम एट द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस फ्रॉम नागपुर मतलब मैं नागपुर पहुँचने ही वाला हूँ देखिए शब्द है डिस्टेंस दूरी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी जो मात्र कहने को हो उसे कहेंगे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस आई सॉ दिनिमल एट द जस्ट एट द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ माई कार मैंने जानवर को बिल्कुल बहुत निकट देखा एंड आई नेगोशिएटेड माई कार I swore my car to the left and right and negotiated. I have used the word which are there in this chapter. So many striking distance with a so, author हम, We were very close to the point where we wanted to go, very close to the point which was our goal. वी We were within विद इन distance डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई eager ईगर टू फोर्ज और मैं उत्सुक था आगे बढ़ने के लिए फोर्ज करना मतलब और एक ताकत इकट्ठा करना आगे जाने के लिए तो मैं बहुत उत्सुक था उतावला था बहुत ज़्यादा कतूहल था मेरे मन में आगे क्या है बट आई हैड टू वेट लेकिन मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी एक और तो हॉर जैसा दृश्य एक तो उसके कारण भी मैं वहां से भागना चाह रहा था और ऊपर से मानसरोवर कैलाश के बहुत निकट में पहुंच चुका था उसकी सुंदरता बहुत दूर से दिखाई दे रही थी और अब तो मैं बहुत निकट पहुंच गया था और बड़ा सुंदर दिख रहा था दृश्य तो मैं वैसे ही बहुत उत्सुक था कि जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचू लेकिन दुर्भाग्य से बट आई हैड टू वेट